नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए अदालत ने निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दी। अब नवाब मलिक का इलाज कुर्ला के क्रिटिकेयर अस्पताल में होगा। बता दें कि मुंबई सत्र न्यायालय ने नवाब मलिक को अस्थायी राहत दी है। उपचार के दौरान परिवार के केवल एक सदस्य को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। मलिक ने 6 सप्ताह के लिए जमानत मांगी थी क्योंकि वह किडनी की बीमारी के लिए एक निजी अस्पताल में स्थायी इलाज चाहते थे। गौरतलब हो कि राकांपा नेता नवाब मलिक को 23 फरवरी को कुर्ला में जमीन के सौदे में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जुड़े वित्तीय लेन देन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक तभी से आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।